यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल? तो गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ बेटा, जवाब तो दो. चलिए, अभी लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक किया था, किस किस को याद है, क्या क्या कर लिया था हमने लास्ट क्लास में? यस कौन बताएगा मुझे? वर्कशीट की थी हमने, थोड़ी बहुत की थी. हाँ, तो कहाँ तक क्वेश्चंस हो गए थे? 21 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. ठीक है, अलोंग विद दैट मैंने आपको कुछ काम दिया था करने के लिए. मैंने आपको बोला था यू हैव टू लर्न द वैलेंसीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, राइट बेटा? अभी मैं एलिमेंट्स के नाम लिख रही हूँ, मुझे उनकी वैलेंसीज लिखकर दिखानी है फटाफट से. ठीक है, सबने टेक आउट योर नोटबुक्स, एवरीवन. आई एम राइटिंग फ्यू एलिमेंट्स, नॉट ऑल, एंड यू हैव टू राइट द वैलेंसीज ऑफ दोज एलिमेंट्स. इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि वैलेंसीज की इंपॉर्टेंस क्या है और हमें क्यों करनी है. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस किस किस को डिफिकल्ट लग रहे हैं? मे बी यू आर ऑन द थर्ड चैप्टर इन द स्कूल, मेटल नॉन मेटल कर रहे होंगे, आई थिंक सो, है ना? तो यहां तक सब रिएक्शंस रिएक्शंस चल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस. आपके दोनों की क्लास में से, 10th और 10th में से कौन कौन रिएक्शंस के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड. एक, दो, 10th में से तो 2, 3, 4 कुछ स्टूडेंट्स हैं, 10th बी में से एक भी नहीं. ये बच्चे इतने एबसेंट क्यों हैं? मतलब क्लास की स्ट्रेंथ ही है या मतलब फ्लू वगैरह के कारण छुट्टी पर हैं? या आए नहीं, मतलब आई फ्लू दे आर एब्सेंट. एबसेंट भी हैं, आए भी नहीं होंगे ना शायद अभी. चलो, एनी हाउ, आई एम राइटिंग फ्यू एलिमेंट्स. बिकॉज ऑफ आई फ्लू. हाँ, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन बच्चा. चलिए चलिए, मुझे कुछ एलिमेंट्स के नाम वैलेंसेस लिखकर बताइए. ठीक है, चलिए राइट डाउन द वैलेंसीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. डू इट फास्ट. बच्चे जिसको जितना आता है, गलत आता है, ठीक आता है, अपने आप से करना है. किसी ने चीटिंग नहीं करनी एक दूसरे की. आई एम एबल टू सी एवरीवन. ठीक है, चलिए हो गया बच्चे. सी बेटा, आई थिंक कुछ बच्चे तो क्लास में ऐसे होंगे शायद जिनको वैलेंसी पता भी नहीं होंगी, है ना? तो Na की वैलेंसी होती है बेटा +1, मैग्नीशियम इज +2, आयरन कैन बी +2 और +3, डिपेंड क्या आप हमें यूज करना है. एल्यूमिनियम इज ऑलवेज +3, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, सल्फाइड. सल्फाइड क्या होते हैं?
माइनस थ्री फॉर नाइट राइट। अच्छा इनको देखो रीड कैसे करना है, अदरवाइज सी एल फॉर क्लोरीन, बट हम जब इसको फॉर्मूला में यूज करते हैं तो आप कैसे क्या लिखते हो, जैसे कि एन ए सी एल है, विल यू राइट क्लोरीन और क्लोराइड, क्लोराइड लिखते हैं हम। तो जब भी यहां पर हमने इनको रीड करना है ना, वी विल रीड देम लाइक दैट, क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, जिनके साथ नेगेटिव साइन है सिर्फ उनको, नॉन मेटल्स को बेसिकली। मेटल्स को हम एज इट इज रीड करते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, लाइक दिस। अच्छा एक चीज और, मेटल्स जो होती हैं उनके साथ हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन जिसके साथ आ रहा है वैलेंसी में दे आर नॉन मेटल्स। अगर आपको कभी कोई मेटल पूछ भी ले कि कोई मेटल्स के नाम बता दो, नॉन मेटल्स के नाम बता दो, तो आप रिकॉल कर सकते हो पॉजिटिव वैलेंसीज किसकी थी और नेगेटिव वैलेंसीज किन किन एलिमेंट्स की थी, राइट बेटा। ये जो कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, दीज आर पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है बच्चे, पॉली मीन्स मैनी। तो ये होता है हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी होती है -1। दिस इज नाइट्रेट, वो आप लिखते हैं ना सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है ना, इस तरीके से मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो वो सब नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट और इसकी वैलेंसी भी है -1। सल्फेट, दिस इज -2, ये बहुत यूज होता है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। और कहां पर यूज होते हैं, जहां पर आपने जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस किया होगा, किया था है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उनमें भी सल्फेट आता है ना, क्या होता है जिप्सम का, यस 2H2O, एंड पीओपी का क्या होता है, What is this part called? What is this? Water crystallization. मतलब अगर एक सॉल्ट है उसको क्रिस्टल बनाने के लिए मुझे कितने वॉटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, ठीक है बच्चे, दैट इज अ वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कार्बोनेट इज अगेन -2, इन्हीं वैलेंसीज को बेटा हम यूज करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, इजंट इट, एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलो मेटल एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हमें क्या देते हैं आपको पता है, ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। तो अभी देखो एसिड, इतने सारे एसिड्स हैं आपके पास, यू कैन टेक एनी एसिड, जैसे कि सपोज करो मैंने ले लिया लेट अस से सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन टेक एनी मेटल कार्बोनेट। देखो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट हमारा यहां पर है और मेटल हमारे यहां पर है, आप इनमें से कोई भी पेयर मेटल कार्बोनेट का बना सकते हो। ये याद नहीं करना कि हमने ये वाली मेटल कार्बोनेट लेनी है, आप सोडियम कार्बोनेट बनाओ, मैग्नीशियम बनाओ, आयरन बनाओ, एल्यूमिनियम बनाओ, आप पोटेशियम बनाओ, बहुत सारे हमारे पास मेटल्स बन जाते हैं, आपको सिर्फ ये माइंड में होनी चाहिए चीजें, आप कुछ भी बना सकते हो। लेट अस से मैंने यहाँ पर कैल्शियम भी लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, दिस इज CaCO3। रादर इसकी जगह अगर हमें ये लिखें, आपने लेना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी भी होती है +2, क्या फॉर्मूला बनेगा CaCO3, इसकी भी 2 इसकी भी 2, ब्रैकेट में क्रॉस कर देंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो फॉर्मूला बनता है CaCO3। तो हम यहाँ पर CaCO3 लिख देंगे, आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। अब सॉल्ट देखो क्या बनेगा, एसिड में से हमेशा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हमेशा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है,
और सल्फेट को किसके साथ कंबाइन होना है? मेटल के साथ। जो एसिड का रिमेनिंग पार्ट होता है ना, जैसे HCl है, HCl में से हाइड्रोजन हट जाएगा, नाइट्रिक एसिड है तब भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। हमेशा जो एसिड का रिमेनिंग पार्ट होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट के मेटल वाले पार्ट से कंबाइन होगा, ऑलवेज। तो क्या सॉल्ट बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या सॉल्ट बना? कैल्शियम सल्फेट। हाँ जी। नाउ यू कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट? यस। देखो कैसे बना, कैल्शियम एंड सल्फेट, इसको ब्रैकेट में कर दो, इसकी भी वैल्यू 2 और इसकी भी वैल्यू 2। माइनस और प्लस लिखने की बेटा हमें बहुत जरूरत नहीं होती है फॉर्मूलास के लिए, ठीक है? वी विल क्रॉस देम, ये कट जाएगा, 1 एंड 1 बचेगा। फॉर्मूला क्या मिला मुझे? CaSO4, ठीक है? तो हम यहां पर लिख देंगे CaSO4, राइट बच्चे? समझ आया? तो इस तरीके से बेटा हम रिएक्शंस करते हैं। आप कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, इट इज नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट कि आपको जो बुक में दिया गया है आपको वो याद ही करनी है 8-10 इक्वेशंस, ठीक है? आपको ये मैथ्स की तरह एक फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट्स कंबाइन होते हैं तब वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं, दैट्स इट। हमें और कुछ चाहिए ही नहीं है इसके बाद। इज दिस क्लियर? यस मैम। अभी हम एक और देखो रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ओनली, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल, व्हाट दे फॉर्म? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसका तो हमें इतना जरूरी नहीं क्योंकि पता ही होता है हाइड्रोजन क्या होती है, एक गैस होती है बेटा। मोर ओवर इनकी स्टेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। एसिड्स कौन सी फॉर्म में होती हैं? एक्वस फॉर्म में। मेटल कार्बोनेट को हम लेते हैं सॉलिड फॉर्म में। आप यहां पर भी लिख सकते हो, जब आप फॉर्मूला लिखते हो ना तब भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सभी में यही चलेगा, जितने भी रिएक्शंस होंगे इससे रिलेटेड। अभी जो सॉल्ट बनेगा ये CO2 सॉलिड फॉर्म में, CO2 गैशियस फॉर्म में, वाटर क्या आएगा? लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं अकेले स्टेट्स पर, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि इनके स्टेट्स बताओ, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस मार्क लगे आ जाएंगे आपको। एक्स लिख देंगे कि कोई एसिड लिया HCl, एक्स, और कोई मेटल ली जिंक, इसकी एक्स, इसको वाई लिख देंगे और बोल देंगे आइडेंटिफाई करो एक्स और वाई क्या है, ठीक है? तो एक्स एसिड हमेशा ज्यादातर 99% हम एक्वस फॉर्म में ही लेते हैं। रिएक्शन के टाइम एसिड्स हमारे एक्वस फॉर्म में ही होते हैं, मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट बच्चा? तो दो चीजें आपने ध्यान से रख मानकर चलनी है कि जो एसिड होंगे वो एक्वस होंगे और जो मेटल होंगी वो सॉलिड होंगे। सॉल्ट क्या बनेगा? सॉलिड फॉर्म में, बाकी गैस है ही है, ठीक है बच्चे? तो यहां पर आप फॉर्मूला के साथ ही लिखो इस चीज को, ताकि उसके साथ के जितने भी आप रिएक्शंस करो फिर आपको बार बार स्टेट्स को याद ना करना पड़े, ठीक है? इज दैट क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में भी आ जाता है। आपको रिएक्शन दे देंगे, उसमें लिख देंगे एक्स इज सॉलिड, जैसे मेरे को दे देंगे एक्स इज सॉलिड, वाई इज लिक्विड, एक्स इज एक्वस, वाई इज सॉलिड, इस तरीके से चार ऑप्शंस बना देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आप यस देने? तो जब आपने रिएक्शंस करने, सिर्फ आपने हाथ रखकर याद नहीं करने, आज के बाद से आप रिएक्शंस को इस तरीके से याद नहीं करोगे, यू विल लर्न द फॉर्मूलाज। इस पे टाइम लगा लो बेटा, एक दिन आपके सारे के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर काफी इजी हो जाएंगे। एटलीस्ट केमिकल रिएक्शंस वाला जो आपका पार्ट है ना वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ अब मैंने लिया यहाँ पे, मैं ऊपर लिख रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है? हमने कोई भी एसिड लिया, लेट अस से दैट दिस टाइम आई हैव टेकन नाइट्रिक एसिड, एंड अलोंग विद दैट मैंने मेटल को ले लिया मैग्नीशियम, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें से हमेशा एसिड में से हाइड्रोजन हटेगा, अब क्या बनेगा? सॉल्ट क्या बचा? मैग्नीशियम एंड नाइट्रेट। यू जस्ट राइट हेयर मैग्नीशियम
नाइट्रेट। आपने ये नहीं देखना कि इधर टू लगा है नहीं लगा, यहां पर है या नहीं है, यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, जिनको डायरेक्ट आता है बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट ही करो, आपको लेंथी में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम टू, इसको पॉलीटॉमिक है ब्रैकेट में कर लीजिए, नाइट्रेट की वैलेंसी मैंने लिखी थी -1, तो माइनस की जरूरत नहीं है, यू जस्ट क्रॉस इट, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आएगा, तो क्या फॉर्मूला मिला मुझे बेटा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम नाइट्रेट का, सॉरी मैग्नीशियम नाइट्रेट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, यू जस्ट लुक, यहां पर 2 नहीं था बट हमारे प्रोडक्ट में 2 है, क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कहता है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट इज MgNO3 होल ट्वाइस, राइट बच्चे, जो 2 की कमी है उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन, हियर नाइट्रेट इज 2 टाइम्स, आई विल पुट 2 एंड सी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है, करोगे इस तरीके से काम, ठीक है, आपको रिएक्शंस इजी हो जाएंगे बेटा, डू द प्रैक्टिस। अच्छा एक चीज और मैं समझा दूं, आप मुझे एक चीज और बताइए, जब हमारे पास कोई सॉल्ट दिया होता है उसमें से आप एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है, चलो एक तो एसिड लिख रही हूं और फिर हम किसी से पूछते हैं, ये नोट करना था बेटा किसने कर लेते रिएक्शन, आपने सॉल्ट का नाम पहले वर्ड्स में लिखना है एंड देन राइट द फॉर्मूला, आप बच्चे गलती यही करते हो, सीधा फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हो, जिनके वीक है पॉइंट स्पेशली उन बच्चों के लिए, सीधा फॉर्मूला नहीं लिखना, फर्स्ट राइट डाउन द वर्ड, वर्ड में फॉर्मूला लिखना है, देन राइट द फॉर्मूला इन सिंबॉलिक फॉर्म, क्लियर बेटा, चलिए मैंने अभी सॉल्ट लिखा MgSO4, मैंने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, मैंने लिखा सोडियम, चलिए हम लिख लो कुछ भी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट कर लीजिए, Al2SO4 होल थ्राइस, चलो इनमें मुझे एसिड एंड बेस आइडेंटिफाई करके बताइए जरा, मैंने फर्स्ट इट सल्फ्यूरिक हाँ एसिड किस किस को आता है, जस्ट रेज योर हैंड्स, जिस जिसको आती है ये चीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, फ्यू गर्ल्स फ्रॉम 10th B एंड फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम 10th A, मतलब बाकी सबको नहीं आता है। चलिए आज हम एक अच्छा सा तरीका देखते हैं, बहुत इजी तरीका, आपको क्रैमिंग भी नहीं करनी है, सी जैसे आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा दूर करके लिख लेती हूँ, इसमें से मेटल कौन सा पार्ट है, मैग्नीशियम, आपने क्या करना है, मैग्नीशियम के नीचे हाइड्रोजन लिखना है और इसके नीचे OH लिखना है, ऑलवेज फर्स्ट पार्ट के नीचे हाइड्रोजन, दूसरे के नीचे हाइड्रोक्साइड, और क्रॉस कर देना है ये से समझने के लिए, ठीक है, ये क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मुझे मिला बेस, ये क्या मिला H और सल्फेट, ये क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है, एक सिंपल सा देख लेते हैं, पहले NaCl, Na के नीचे हाइड्रोजन, Cl के नीचे OH, तो ये बना, ये हमें बेस देगा और ये हमें एसिड देगा, तो बेस क्या बना और नहीं एसिड क्या बना HCl, ये बेस मिल गया मुझे और ये एसिड मिल गया, राइट बेटा, हुआ।
ठीक है, अभी जैसे ये है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कैल्शियम के नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन, क्लोरीन के नीचे लिखेंगे ओ एच एंड वी विल क्रॉस देम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अब सी ए ओ एच लिख कर नहीं छोड़ दोगे, ठीक है। दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज दिस, ये अब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या बनेगा, देखो कौन सा एसिड बनेगा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करने से कौन सा एसिड मिलता है हमें, क्लोरिक एसिड। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज दिस द राइट फॉर्मूला, नो नो कौन कौन कह रहे हैं नो, रेस कीजिए जरा है। अच्छा वेरी गुड, 10th है, फर्स्ट रो बॉयज, सुन भी रहे हो कुछ? अब मतलब आप सब कह रहे हो कि ये फॉर्मूला ठीक है, 10th है कि जो बॉयज वाली रो है पूरी, कौन कौन कह रहे हैं ये फॉर्मूला ठीक है 10th ए में से, फर्स्ट रो जो बॉयज की बैठी है, कौन कौन कह रहे हैं गलत है? चलिए दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मूला बेटा, एच सी एल इज लाइक दिस, ठीक है बेटा। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम द सॉल्ट्स। नोट कर लीजिए बेटा इस चीज को, कैसे हमने बेस आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने एसिड को आइडेंटिफाई किया, ठीक है बेटा। ठीक है, कोई भी सॉल्ट बनता है ना बच्चे, कोई भी सॉल्ट बनता है वो एसिड एंड बेस के कंबाइन होने से ही बनता है, और भी तरीके हैं, मेन क्या क्या होता है, एसिड एंड बेस जब कंबाइन होते हैं तब सॉल्ट बनता है, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन, ठीक है। लेट अस से अगर हम इस रिएक्शन को लें, मैं अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं, दिस इज बेस दिस इज एसिड, इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगा और ये मेटल है ये इधर चली जाएगी, देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, और क्या बचा साथ में, वाटर। तो जो ये सॉल्ट बनाना बेटा, ये सॉल्ट हमेशा एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, तो इसीलिए हम किसी भी सॉल्ट में से एसिड और बेस को अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आई बेटा ये चीज? यस। चलिए ये नोट कर लो। कोई अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहता तो ठीक है बच्चे बता दीजिए, नहीं तो हम वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को चैप्टर में कुछ डिफिकल्ट पॉइंट लग रहे हैं, कुछ मुश्किल आई है, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्कशीट पे चलते हैं फिर। चलिए फर्स्ट सेवन को बेस के क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट सेवन क्वेश्चंस फटाफट से ट्राई कीजिए जरा। डू इट फास्ट, बेसिस के क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस हो चुके थे, उसके बाद बेसिस टॉपिक लिखा हुआ है, उसके क्वेश्चंस हैं 7 क्वेश्चंस, डू देम फास्ट।
यस यस डू इट योरसेल्फ बच्चे, 10th है गर्ल्स। डन। यस बेटा यस। And what is the formula of dolomite? डोलोमाइट। बेटा मेरे को एक चेक करना पड़ेगा, डोलोमाइट ही बट इसका राइट आंसर, वो डोलोमाइट कुछ आयरन का और होता है बेटा, ठीक है। And caustic pattern. ओर ऑफ मैग्नीशियम है बेटा वो, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के ओर को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द आंसर? यस यस जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, आई विल आस्क। यस क्लास 10th है, सेकंड रो में जो बॉय है येलो टी शर्ट में। यस बेटा आपको ही बोल रही हूँ जो पीछे मुड़कर देख रहे हो, सेकंड रो आपकी है। हाँ जी बेटा जल्दी से आंसर बताइए। M6. सिक्स, ओके वेरी गुड। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए गो बैक टू योर सीट बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ बेसिस? इसमें बेस, ऑल ऑफ द अबव बेटा, एंटा एसिड टैबलेट्स, एसिड के अगेंस्ट काम करना है इन टैबलेट्स ने, सो दे हैव बेसिस इन देम। सोप में बेस होता है, टूथपेस्ट में बेस होता है, ऑल द अबव राइट। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज इट्स? हाँ जी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, अगर आपके पास जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हाइड्रोक्साइड बेस है, इसने बेस ना है, बट ये क्या बताते हैं? एसिडिटी, ठीक है। कितनी एसिडिटी है इसकी? टू है। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि आपके पास आ गया H2SO4, तो हाइड्रोजन बताता है बेसिसिटी, रिवर्स होता है ये, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयंस एसिडिटी बताते हैं और हाइड्रोजन आयंस बेसिसिटी बताते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यस व्हाट इज द राइट आंसर? यस ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये बोल रहे हो? यस ओके जस्ट अ मिनट, इन आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। और डी क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डी? बी क्यों नहीं है? बी भी तो सेम ही है रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी? हाइड्रोजन वाटर वाटर ओके वाटर क्या है? एक्वस दिया हुआ है एक में और एक में लिक्विड दिया हुआ है। हाँ जी बताइए जरा। हाँ जी तो डी आएगा, लिक्विड होगा। देखो छोटी छोटी स्टेट्स की इंपॉर्टेंस आ गई ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेट्स आपको पता, दिखने में आपको रिएक्शन देखो सेम लग रहा है, बट सिर्फ स्टेट के कारण, एक्वस और लिक्विड के कारण आंसर में डिफरेंस आ चुका है। सो द राइट आंसर इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन, यस व्हेन द स्टॉपर ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग कलरलेस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की स्मेल होती है विनेगर जैसी। फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा एसिटिक एसिड का, साथ साथ में रिवाइज होता जाएगा। राइट डाउन द फॉर्मूला, CH3COOH, एंड इसमें रिमूवेबल हाइड्रोजन कौन सा होता है? ये वाला, ए वाला या बी वाला? ठीक है इसमें हमेशा जो रिमूवेबल हाइड्रोजन है वो लास्ट वाला होता है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बेस विच डज नॉट कंटेन मेटल इज, इनमें से कौन सा बेस है जिसमें मेटल नहीं है? डोलोमाइट। बेटा वैसे तो इसमें क्वेश्चन आना चाहिए, डोलोमाइट नहीं आएगा बेटा, इसका फर्स्ट आंसर आएगा NH4OH,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। डोलोमाइट में तो मैंने बताया अभी मैग्नीशियम का और है, मैग्नीशियम तो मेटल होती है। NH4OH बेटा देखो, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है एंड ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो जब सारी नॉन मेटल्स हैं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चंस है, विद एन एक्सेप्शन हर मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर, हर बेस के अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, बट एक ही एक्सेप्शन है ऐसा बेस जिसके अंदर मेटल ही नहीं है। राइट बच्चे? हाँ, तो शिफ्ट द आंसर टू ए, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? ऑप्शन डी। हाँ, सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। चलिए फटाफट से सॉल्ट्स के क्वेश्चंस। यस बेटा। मैम व्हाट इज कॉस्टिक पैटर्न? कॉस्टिक पैटर्न नहीं है बेटा, इसको कॉस्टिक पोटैश कर लीजिए। इट्स कॉस्टिक पोटैश। क्या होता है कॉस्टिक पोटैश का फॉर्मूला? यस, कॉस्टिक पोटैश इज KOH। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला लिखिए NaOH। कॉस्टिक पोटैश इज KOH, कॉस्टिक सोडा NaOH। हाँ जी, ये आ जाते हैं क्वेश्चन। ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? डू यू नो व्हाट इज ब्लू विट्रियोल? कौन सा सॉल्ट है जो ब्लू कलर का होता है? कैल्शियम सल्फेट। आसपास हो, थोड़ा सा रॉन्ग हो, आसपास तो हो। इट्स नॉट कैल्शियम, इट्स कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। दिस सॉल्ट इज ऑफ ब्लू कलर एंड इसी को ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। ग्रीन विट्रियोल बताओगे किसको बोलते हैं? यस, व्हाट इज ग्रीन विट्रियोल? सोचो जरा कौन सा सॉल्ट है ग्रीन कलर का, घूमो जरा फर्स्ट चैप्टर में, पहुंचो जरा, कहीं पे ग्रीन कलर के कोई सॉल्ट को आपने सुना हो, पढ़ा हो फर्स्ट चैप्टर में। चलो देखो बच्चा, सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है, ऐसा नहीं है कि जो आपने वहां पढ़ लिया तो वहीं खत्म हो गया। कौन सा सॉल्ट था? इट्स FeSO4, फेरस सल्फेट। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इसमें, कौन बताएगा? अब देखो मैं अगर यहां पर x लिख कर दे दूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज 5, 7, 2, 4। इट्स 7। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दिस सॉल्ट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड इसको हम क्या बोलेंगे फिर? ग्रीन विट्रियोल। ये मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी है यहां पर, विट्रियोल OL ही आएगा। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, तो कोई भी सॉल्ट जिस कलर का होता है, कोई ब्लैक है तो ब्लैक विट्रियोल बन जाएगा, येलो है तो येलो विट्रियोल हो जाएगा। आपको याद नहीं करना, आप जस्ट सॉल्ट के कलर्स को थोड़ा सा रिमेम्बर कर लेना। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए, गिव अ एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट विच हैज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आपने याद, आप घूमो चैप्टर्स में जाओ कि पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, 7 मॉलिक्यूल्स कहां पर है? पैरासल्फेट के होते हैं। ठीक है बच्चे, यस मैम। चलिए नाउ डू द क्वेश्चंस फॉर सॉल्ट्स। ये क्वेश्चन चलो जल्दी से करो, 8, 9, 10, 11, 11 तक करो, फिर आगे 12th तो टेबल वाला क्वेश्चन है, बस टाइम मत लगाना, जल्दी से कर लो।
चलिए बेटा डन। यस 10th B जैस्मीन। रोल नंबर 18। हाँ जी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक आर्टिक एसिड। एसिड। ठीक है, तो चीजें याद ही कर लो। 9th का भी बताइए बेटा। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई? रेट ऑफ फर्मेंटेशन। व्हाट? दो जगह है बेटा रेट ऑफ फर्मेंटेशन, तो ए में भी है बी में भी है। बोलिए कौन सा, ए या बी? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। तुक्का मारा या सोचकर बताया है? हाँ रीजन दो फिर मुझे, अगर बी ऑप्शन है तो वाई बी नॉट ए? अब क्वेश्चन अब पढ़ने लगी है लड़की, है ना? ऑप्शन बी है, क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। यस गो बैक टू योर सीट बेटा। यस 10th A में से बताएगा मुझे आंसर सागर। अच्छा आप ही हो सागर, बैठ जाओ फिर किसी और से पूछ लेते हैं। सब मीत, इट्स सब मीत। आ जाओ चलिए। 9th का मुझे रीजन दो, वाई बी? फर्मेंटेशन डिक्रीज हो रही है उसमें जब पाउडर डाल। हाँ बेकिंग सोडा डालने से बेटा, जो बैठ जाओ बेटा, मिल्क का पीएच इंक्रीज हो जाता है। बेकिंग सोडा बेस होता है ना, जब उसको मिल्क में डाला जाता है तो मिल्क का पीएच स्लाइटली चेंज हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर पहले उसका 6.8 है लेटर से, तो वो 7.2 7.3 इस तरीके से वो शिफ्ट हो जाएगा, जिससे फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है बेसिकली, वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, और मिल्क लॉन्गर टाइम तक ठीक रहेगा। ठीक है, इसलिए यस मिल्कमैन देते हैं ना, जो देते हैं दूध देने आते हैं मिल्कमैन, दे ऑल एड बेकिंग सोडा। उनको ले लेकर घूमना होता है ना काफी आवर्स तक, तो वो दूध खराब नहीं होता है फिर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। यस 10th A सौरभ। बी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन बी। ओके आप कह रहे हो 1, 3 एंड 4। फोर ऑप्शन क्या कह रहे हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स, हेंस दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। पहली बात बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नॉट एसिडिक ऑक्साइड लाइक MgO, दे आर ऑलवेज बेसिक। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसे होते हैं ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड एक तो बेसिक ऑक्साइड हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं वो? जिंक कार्बन ऑक्साइड क्या है, ये बेसिक है या कोई और ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, इज इट बेसिक और समथिंग एल्स? बेसिक। बेसिक तो है ही है, ठीक है ये बेसिक तो है ही है दोनों, बट इनका एक अनदर नाम भी आएगा बेटा, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, मेटल्स हमेशा या तो बेसिक ऑक्साइड होंगे या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे, और नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होते हैं एसिडिक ऑक्साइड। तो बेटा ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को पक्का मिल जाएगा।
कि एसिडिक ऑक्साइड कौन होते हैं, जो नॉन मेटल्स आती हैं जहां पर, और बेसिक ऑक्साइड कब बनते हैं, जब मेटल्स आती हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है जी, चलिए। सो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग बेटा, द राइट आंसर ओवर हेयर इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सी इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब पॉइंट्स ठीक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, यस 10th बी, बता देना कोई प्रेजेंट नहीं है तो। सुखमन कौर, हां जी बेटा आ जाओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1, 3 and 4, ठीक है बच्चा। सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑक्सीजन एंड वाटर आर लिबरेटेड एज प्रोडक्ट्स, नो। ठीक है, अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा ही था ना, यहाँ पे क्या क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है जब एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी केस में ऑक्सीजन एंड वाटर लिबरेट नहीं होगा, तो 11th इज अ रॉन्ग ऑप्शन, 11th सॉरी सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। चलिए, किसी को बच्चे अपना कोई डाउट आ रहा हो बीच में साथ में पूछ लेना, ठीक है। कोई ऑप्शन किसी को समझ नहीं आई, कुछ पूछना है जो जो क्वेश्चंस निकलते जा रहे हैं, यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 12th इज योर होमवर्क, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किए हैं, सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आपने बेस और एसिड को आइडेंटिफाई करना है। आज किया है हमने ये टॉपिक, ठीक है। एसिड के नीचे आपने क्या लिखना है, OH, और बेस के नीचे H, क्रॉस कर देना, यू विल गेट द सॉल्ट्स, एसिड एंड बेस। क्वेश्चन नंबर 13, 14 जल्दी से कीजिए बेटा क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलिए। मैम, कैन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद HCl एंड कैन प्रोड्यूस H2 गैस? HCl, एसिटिक एसिड विद HCl? मैम यस बेटा, ये तो दोनों ही, नो, ये तो दोनों ही HCl है ना बेटा, दोनों ही एसिड हो गए। विद बेस, एसिड में बेटा बेस नहीं है कोई भी इसमें, ये एसिडिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। बच्चे देखो, ये भी ये कहेगा मैं अपना हाइड्रोजन रिमूव करूं, और ये कहेगा मैं अपना हाइड्रोजन रिमूव करूं, तो ये इसकी जगह आएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, बात तो वही बनी। कैन इट रिएक्ट विद बेस? बोथ, यस बोथ कैन रिएक्ट विद बेस। सी, अगर आप यहाँ पर लेते हो CH3COOH, दिस इज एसिड, यू कैन टेक द बेस NaOH। नाउ इसका रिमूवेबल हाइड्रोजन क्या है, ये वाला, ये रिमूव हो जाएगा। इस रिमूव होने के बाद इसको यहाँ पर चाहिए कोई मेटल, तो अब ये देखो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3COONa, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है ना हमारे पास, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, प्लस वाटर आ जाएगा, बाकी हम बैलेंसिंग कर देंगे इक्वल करने के लिए। तो इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम एसीटेट, इस सॉल्ट के नाम को हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ये रिएक्शन आपके फोर्थ चैप्टर में बहुत बार आएगा, सोडियम एसीटेट का सॉरी फॉर्मूला, ये फोर्थ चैप्टर में की काफी रिएक्शंस में इंक्लूड होगा, ठीक है। CH3COONa, इट इज गोइंग टू बी कमिंग फोर्थ चैप्टर अ लॉट। ओके बच्चे, एनी अदर डाउट? नो मैम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 and 14 बच्चे। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। एसिड बेस को सेपरेट करना फ्रॉम द सॉल्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हम बड़े बड़े रिएक्शंस, बड़ी बड़ी चीजों पर लगे रहते हैं और छोटी चीजों पर काम नहीं करते हैं, ठीक है।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है? तो स्मार्टली पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे रादर देन क्रैमिंग. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सबका. चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्ट एक्स कॉमनली यूज्ड इन बेकरी बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग गिव्स अनदर सॉल्ट वाई व्हिच इज कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वॉशिंग पाउडर. वॉशिंग पाउडर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर? Na2CO3.NH2O. ठीक है, वेरी गुड. एंड अ गैस जेड कौन से कलर का होता है? सोडियम कार्बोनेट डॉट टेन एच टू ओ कौन से कलर का होता है? इट इज अ व्हाइट कलर. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.NH2O व्हाइट कलर का, और ये हमारे वॉशिंग सोडाज इसी से ही बनते हैं. ठीक है, वॉशिंग सोडा एंड व्हाइट कलर. इज इट क्लियर? चलिए, एंड अ गैस जेड विच वेन पास थ्रू लाइम वाटर टर्म्स मिल्की. कौन सी गैस मिल्की हो जाती है, कर देती है लाइम वाटर को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सो विच वन इज द राइट ऑप्शन बेटा, एक्स वाई एंड जेड? डी इज द राइट ऑप्शन बेटा. सोडियम, इसके साथ रिएक्शन लिख लीजिए. When sodium hydrogen carbonate is heated, heat किया जाता है, then it form Na2CO3 plus carbon dioxide gas is released. तो जो केक वगैरह होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए और बी. किसकी प्रेजेंस के कारण केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. केक्स एंड बेकरीज में डाला क्या जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. हाइड्रोजन कार्बोनेट का कोई और भी नाम है? कैन वी से अनदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट. यस, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है. तो एक ही चीज है ये, हाइड्रोजन बोल दो इसको या बाय बोल दो. ठीक है, अब इसको डाला गया केक्स में, बैटर में डाला गया, उसके बाद हीट किया गया, तो ये दो प्रोडक्ट्स बने. ठीक है, जिसमें से ये जो CO2 गैस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लफीनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक केक्स पेस्ट्रीज ब्रेड्स. ठीक है बच्चे, तो आप देखते हो वो स्पॉन्जीनेस होती है, तो कुछ होल्स होते हैं ना, जैसे स्पॉन्ज में होल्स होते हैं केक्स वगैरह में, तो CO2 गैस जब बनी है तो उसको निकलना भी है बाहर. वो निकलेगी कैसे? उस डो में से, बैटर में से अपनी स्पेस बनाती हुई निकलेगी. तो जितनी ज्यादा ये CO2 गैस प्रोड्यूस होगी और जितने अच्छे से वो एस्केप हो पाएगी, उतना ही केक्स हमारे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेंगे. इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम. चलिए, क्वेश्चन नंबर 14. यस, सेक्शन 10A 10th में से पूजा एब्सेंट. प्रभ शगुन आ जाओ बेटा. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन, यस बेटा, बी इज द राइट ऑप्शन. किसी को कोई डाउट है इस ऑप्शन में तो बता दीजिए. इस क्वेश्चन तो काफी सिंपल था. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 15. The graph given below depicts a neutralization reaction. ठीक है, the pH of a solution change as we add excess of acid to an alkali. Alkalis में अगर हम acid डालते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? Alkali क्या होता है? कैसा बेस? Aqueous. हाँ जी, water soluble base. तो alkali में बेटा एक दो नाम याद करके रख लो आप.
NaOH एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार, एक दो एग्जाम्पल दे दो, KOH ठीक है, LiOH, इसमें मैग्नीशियम भी आ जाता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट बेसिकली आपने इन तीनों में से ही बताना है। अगर एक और दो, एक दो एग्जाम्पल पूछी जाए तो ऊपर वाले में से ही बतानी है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हम एसिड को ऐड करते जाएंगे तो एक स्टेज पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, हमारा सारा सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारा ऐसे क्यों बनाया गया है, क्या किया गया, देखो यहाँ पर पीएच 14 है और फिर इस ग्राफ को ऐसे बनाया गया है, दिस इज पार्ट ए, दिस इज बी, दिस इज समवट सी इज देयर एंड दिस हेयर इज डी। अब क्वेश्चन कह रहे हैं विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। सी इज द राइट ऑप्शन बेटा, ठीक है, सी राइट होगी ये वाला आंसर, क्योंकि यहां तो टोटल बेस है, पीएच 14 है, अभी ये थोड़ा सा कम हुआ है पीएच, मतलब 12 मान लो आ गया होगा बी के ऊपर, अभी भी ये पूरा बेस है, फिर धीरे धीरे सी पर, यहां कर लो सी को, यहां पर सॉल्यूशन जो होगा दोनों एसिड और बेस की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। 7 भी दिया हुआ है ना देखो पीएच, सी के पास 7 पीएच, 7 पीएच किसकी होती है, जब सॉल्ट और बेस सॉरी एसिड एंड बेस का जो अमाउंट होता है बराबर होता है तब पीएच 7 हो जाती है, ठीक है बच्चे। ना तो क्वेश्चन नंबर 16 चलिए ये करके दिखाइए जरा मुझे, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ट्राई कीजिए फिर आगे चलते हैं। डन ओके जी, कोई कर रहा है तो देख लो। चलिए व्हाट इज द राइट आंसर, ओके ठीक है बच्चे, ए इज द राइट आंसर। सी कंपाउंड एक्स हमारा क्या है, एन ए ओ एच, दिस इज कंपाउंड एक्स, when it reacts with zinc it will form a plus it is giving hydrogen gas, ठीक है। metal के साथ कौन react करता है, base, base plus metal, तो क्या बनाते हैं बेटा, this form salt and hydrogen gas। अब देखो वही काम करना है बेटा, this is zinc ठीक है और ये है हमारा Na, क्या ये reaction होगा वैसे, yes ma'am, तो salt क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, वेरी गुड। ये बेटा सॉल्ट का नाम याद कर लेना क्योंकि इनकी वैलेंसीज हम लर्न नहीं करते हैं, ठीक है, एक दो ही सॉल्ट होते हैं, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, राइट डाउन द फॉर्मूला, अच्छा लिखा हुआ है ठीक है, ऑप्शन में है बेटा Na2ZnO2 और व्हेन दिस NaOH रिएक्ट्स विद HCl, so this is base, this is acid, what it will form, salt and water, so salt kya bana isme se, Na, aur C, C mein kaun sa reaction hai, again reaction to wahi hai, NaOH plus CH3COOH, jo abhi maine samjhaya tha, kisi student ne pucha tha na mujhse, to ye hydrogen hat jayega aur uski jagah metal aa jati hai, to kya banega salt, CH3COONa plus ठीक है, तो सॉल्ट का नाम याद करना है आपने, सोडियम एसीटेट, लिख लीजिए
सोडियम एसिटेट. वेरी गुड राइट. ठीक है जी बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई कर लेना. मैं सोच रही हूँ 2-5 मिनट है तो कुछ एजर्शन रीजन देख लें एक बार मीन टाइम, है ना. नीचे साथ में 21st क्वेश्चन. तो हमारी ये अभी 16th तक हो गए हैं क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वॉटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ठीक है, जब एसिड और बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं. ये हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में क्या, एजर्शन रीजन थोड़े बहुत? ओके, तो दिस इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट्स ट्रू. रीजन, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग. ये भी ट्रू है, बट क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन की? नो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, पर अगर ये ऑपोजिट होता, रीजन को एजर्शन में डाल देते, एजर्शन को रीजन में कर देते, देन माइट बी इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है. ठीक है, एजर्शन. 22 क्वेश्चन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस आर बेसिक इन नेचर. तो ट्रू क्या होगा इसका, क्या हो इसमें करेक्ट करें कि ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाए? यस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट बनाएगा. एसिड या बेस में से जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी वैसा ही सॉल्ट बन जाएगा. बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए. अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट. अब एसिडिक बेसिक कैसे बताओगे? वही काम करो, NH4Cl. अब इसके नीचे लगाओ हाइड्रोजन और इसके नीचे करो OH. तो ये क्या बना? बेस NH4OH और यहां से क्या मिला मुझे? एसिड. अब मुझे बताओ इसमें, इस सॉल्ट में एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था या बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था? एसिड. तो ये सॉल्ट कैसा होगा? NH4Cl इज एन एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट? एसिडिक. एसिडिक सॉल्ट. ठीक है, कोई भी सॉल्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है वो एसिडिक है या बेस है, पहले उसमें से उसके एसिड और बेस को अलग करो, फिर आप देखो उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है या बेस स्ट्रॉन्ग है. राइट बच्चा? ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये क्वेश्चंस दिखने में छोटे होते हैं बट डीप होते हैं ये क्वेश्चंस. नाउ 23rd, एसिड रेन कॉजेस डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. ट्रू. एसिड रेन रीजन, एसिड रेन इंक्रीजेस सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर विच कॉजेज एक्सोसमोसिस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. यस बताइए, सॉल्ट फॉर्मेशन तो नहीं होगी ना? आप कम से कम अगर आगे की टर्म्स का मतलब नहीं पता, वैसे तो एक्सोसमोसिस आपने 9th में पढ़ रखा है, एंडोसमोसिस एक्सोसमोसिस यू मस्ट नो द टर्म्स, बट स्टिल इसका फर्स्ट पार्ट ही रॉन्ग है. एसिड रेन इंक्रीजेस सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. एसिड रेन है तो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी ना, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ाएगी? ठीक है बच्चे, एसिड रेन एसिडिक होती है तो वाटर को एसिडिक बना देती है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज फॉल्स. सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है, सो बेटा एक थोड़े से बहुत क्वेश्चन हमारे रह गए हैं केस स्टडीज के एंड ऑल, यू जस्ट ट्राई देम योर सेल्फ. ठीक है, या तो हम आपको आंसर सेंड कर देंगे, इनके आपको आंसर्स दे दिए जाएंगे. अगर कोई क्लास हुई तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे. ठीक है बच्चे, दिस इज फॉर ऑल एंड दिस इज फॉर टूडे. तो अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम. रिएक्शंस को याद रखना, फॉर्मूला सीधा मत लिखना, डायरेक्ट मत लिखना मैग्नीशियम नाइट्रेट, पहले लिखो वर्ड्स में एंड देन मेक इट्स फॉर्मूला. जिनको प्रॉब्लम आती है मेनली उनके लिए बता रही हूं मैं. ठीक है, चलिए. ओके बेटा, देन बाय एवरीवन. ओके बेटा, बाय बाय. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा बोलो.
I'm in the evening today. We are having maths class also. That I will confirm from the ma'am, beta. Okay. ठीक है, वो मुझे नहीं पता, मैम बता देंगे. अभी बताना है मुझे कंफर्म करके, मैम बता देंगे बेटा फिर आपको. ठीक है, ओके बच्चे.